हेलो चिल्ड्रंस, माई सेल्फ अभय प्रताप एंड यू आर वॉचिंग एपी ड्राइंग। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको जो है भगवान शिव जी का चित्र बनाना सिखाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। करना क्या होगा, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, तो स्किप मत करिएगा। देखिए, फर्स्ट स्टेप में आपको करना है क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको लीव्स का ऐसे शेप बना देना है, जैसे पत्ती होता है उसी तरह पहले बना दीजिए। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ तक बना दिया हमने। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पे थोड़ा सा लीव्स के थोड़ा नीचे यहाँ पे आपको एक ऐसे ले जाना है, ये करिए, ये हो गया। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर भी इसे सेम प्रोसेस ऐसे करना है। ये हमने यहाँ तक कर दिया प्यारे बच्चों। अब देखिए, आपको यहाँ से जो है ऐसे एक सीधी लाइन ले जानी है, एक सीधी लाइन ले जाइएगा प्यारे बच्चों यहाँ तक। इसके बाद सेम प्रोसेस आपको यहाँ से भी ऐसे करना है, एक सीधी लाइन ले जाइएगा। यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक ऐसे लाइन खींचनी है, एक लाइन आपको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देना है प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद आपको यहाँ से इसको डबल कर दीजिए, सेम प्रोसेस इधर भी आपको ऐसे करना है, यहाँ पे भी कर दीजिए प्यारे बच्चों। इसके बाद फिर आप एक लाइन खींच के इसको डबल कर देना है, यहाँ पे भी ऐसे करिए। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा प्यारे बच्चों, और कमेंट बॉक्स में जाके भगवान शिव जी की जय ज़रूर लिखिएगा प्यारे बच्चों। ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे एक ऐसे हाफ सर्किल ड्रॉ कर दीजिए, ये हो गया। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी आपको ऐसे करना है, यहाँ पे भी हाफ सर्किल ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ तक हो जाने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको जो है ऐसे नीचे की तरफ ले जाकर, फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ ले जाकर ये ऊपर ऐसे ले जाना है यहाँ तक। ये हो गया हमारा यहाँ तक प्यारे बच्चों। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको ऐसे सी लिखना है। पहले आप ऐसे एक सी लिख दीजिए, ये देखिए ये हमारा सी हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, इस सी को आपको प्यारे बच्चों डबल कर देना है, यहाँ पे ऐसे डबल कर दीजिए। ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, यहाँ से इसको हम करते हैं थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, डार्क कर देंगे यहाँ पे, इसको भी हल्का सा डार्क कर देना है हमें। डार्क करने के बाद प्यारे बच्चों, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको ऐसे नीचे की तरफ हल्का सा, फिर इसके बाद नीचे की तरफ ले जाते हुए ऐसे ऊपर की तरफ ले जाकर यहाँ पर ऐसे छोड़ देना है प्यारे बच्चों। ये हो गया हमारा यहाँ तक। इसके बाद यहाँ से जो हमने ये बनाया है चांद, इसके नीचे थोड़ा हल्का सा, यहाँ से आपको हल्का सा ऊपर की तरफ ले जाते हुए ऐसे नीचे ले जाना है, यहाँ तक ले जाइएगा, यहाँ पर ऐसे छोड़ दीजिए प्यारे बच्चों। अब देखिए आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे एक ऐसे ईयर ड्रॉ कर दीजिए, बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, स्किप मत करिएगा। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे सर्किल बना दीजिए। सर्किल बनाने के बाद इसको थोड़ा सा हम नीचे की तरफ ऐसे ले जाएंगे, यहाँ तक ले जाइएगा। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी आपको ऐसे सेम प्रोसेस करना है, यहाँ तक नीचे ले जाइएगा। ये हो गया हमारा यहाँ तक प्यारे बच्चों। अब देखिए आपको जो है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऐसे ऊपर करते हुए फिर इसे सेम प्रोसेस यहाँ पे भी ऐसे कर देना है। ये भगवान शिव जी का ओट बन जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे एक सीधी लाइन ऐसे ले जाइए, ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद ये देखिए नीचे की तरफ कर दीजिए, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे लाइन ड्रॉ कर दीजिए प्यारे बच्चों। यहाँ तक करने के बाद आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ये हो गया। फिर इसके बाद हम ये नीचे वाला पोर्शन है, इसको हम ऐसे मैच कर देंगे यहाँ पे, ये हमने मिला दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे एक ऐसे हाफ सर्किल ड्रॉ करिए, बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे ऐसे सर्किल ड्रॉ करते जाइए, ये देखिए यहाँ तक हो गया प्यारे बच्चों। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे ऐसे ले जाइए, और ऐसे यहाँ पे भी आपको ऐसे ले जाना है, सीधे ले जाना है। इसके बाद यहाँ पे ऐसे इनका वस्त्र बना दीजिए प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, यहाँ पे एक ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए यहाँ से ऊपर की तरफ। इसके बाद फिर इसको हम डबल कर देंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसको डबल कर दीजिए। फिर यहाँ पे एक ऐसे ले जाइए, एक ऐसे ले जाना आपको, यहाँ पे भी ऐसे ले जाना है। फिर इसके बाद इसको ऐसे सर्किल यहाँ पे बना दीजिए, ये हो गया हमारा। इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए आपको ऐसे लिखना है W, ये देखिए यहाँ पे W लिख दीजिए, ये हो गया। अब इसे हम W को डबल कर देंगे, ये देखिए डबल हो गया, ये शिव जी का त्रिशूल बन गया प्यारे बच्चों। ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे ऐसे मिला दीजिए यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ से आपको ऐसे नीचे की तरफ ले जाना है प्यारे बच्चों, ये देखिए नीचे की तरफ ले जाइए यहाँ तक। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों, आपको यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे करते हुए, बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, आराम से ले जाइएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगा।
अब यहाँ से हम जल धारा निकाल देंगे प्यारे बच्चों, उनकी चोटी से ये गंगा जी जल धारा निकल रहा है यहाँ से प्यारे बच्चों। अब देखिए अभी यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे जो है आप एक ऐसे ये ले जाइए, यहाँ पे ये कर दीजिए, बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। इसके बाद आई को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऐसे करने के बाद ये कर दीजिए और यहाँ पे ब्लैक कर दीजिए। सेम प्रोसेस आपको इसमें भी ऐसे करना है, यहाँ पे ऐसे करिए और ब्लैक कर दीजिए। ये हो गया, भगवान शिव जी हमारे रेडी हो गए हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, आपको कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा। अब हम इनको करेंगे कलर।